सहकारी गृह निर्माण संस्था के प्रशासक के खिलाफ लिखी हाथों में तख्तियां लिए कलेक्टर कार्यालय आज बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित लोगों ने बताया कि गांधीनगर गृह निर्माण संस्था मर्यादित, जिसे आगे सिर्फ संस्था कहा गया है, जो कि इंदौर की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी संस्था है, जिसके पास करीब 441 एकड़ भूमि शासन द्वारा आवंटित की गई है। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि संस्था में कुछ भूमाफिया द्वारा संस्था पर वर्षों से कब्जा कर रखा है, जिनके द्वारा सदस्यों से मोटी रकम लेकर आज तक भी किसी को उनके प्लॉट का कब्जा नहीं दिया गया। कई सदस्यों को उन्हें बिना सूचना दिए उनकी सदस्यता समाप्त भी कर दी गई। संस्था के कुछ लोगों द्वारा संस्था की भूमि पर अवैध कब्जा करा रखे हैं। कई बाहरी सदस्य को संस्था द्वारा प्लॉट अलॉट किए गए हैं एवं कई सदस्य को संस्था की प्रचलित उपविधि का उल्लंघन कर एक परिवार में एक से अधिक प्लॉट भी संस्था द्वारा दिए जा चुके हैं। ऐसी कई अनियमितताएं वर्षों से चलाने का संस्था प्रशासक पर आरोप लगाते हुए लोगों ने संस्था प्रशासक का जमकर विरोध किया और हाथों में तख्तियां लेकर इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने संबंधित अधिकारी को शिकायत करते हुए न्याय की मांग की। मैं इंदौर से मल्लागंज से आया हूँ और प्लाट संबंधित बात करना थी, विज्ञापन देना था, लेकिन कलेक्टर साहब मिले नहीं हैं, इसलिए अगले मंगलवार को मतलब विज्ञापन देने आई हैं। और मेरा हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो मेरा प्लाट 132 नंबर पे मेरा प्लाट था, जो संस्था ने दूसरों को बेच दिया और उसको रजिस्टर भी कर दी, लेकिन मैंने कोर्ट्स में केस लगाया तो मुझे कब्जा प्राप्त हो गया, लेकिन संस्था जो है उसके रजिस्ट्री शून्य नहीं कर रही है। उसके लिए न सहकर्ता विभाग ध्यान दे रहा है, न संस्था ध्यान दे रही है, और कलेक्टर से भी मैं 3 साल से कार्रवाई कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक ये भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है रजिस्ट्री शून्य करने के लिए। गांधीनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था, कौन है अध्यक्ष? फूलचंद पांडे, प्रबंधक। क्या कहा जाता है उनके द्वारा, आप चाहते हैं? बस वो तो परेशान करता है, सबको चक्कर दिलवाता है, काम किसी का भी नहीं करता। 8 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना, ऐसा है ना। एक एक प्लाट दो दो तीन तीन जगहों को बेच दिया, मेरा प्लाट भी दूसरों को बेच दिया, रजिस्टर कर दिया उसका ना। कहाँ कहाँ शिकायत कर चुके हैं इस मामले में? शिकायत कहाँ कहाँ कर चुके हैं अभी तक आप? कलेक्टर में, नजूल में, सहकारिता विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट, सब जगह शिकायत करी। आपका सहकारिता विभाग में 12 साल से केस चल रहा है, फिर बाद में सेशन कोर्ट में भी चला केस, फिर सेशन कोर्ट से मुझे कब्जा प्राप्त हुआ। कितने सदस्य होंगे लगभग उसमें भी? उसमें 400 सदस्य जो प्लाट के, जिनको प्लाट लेना है, 400 सदस्य के जो इनने प्लाट निरस्त कर दिया और उन्होंने 400 सदस्य को दूसरों को भेज दिया, रजिस्टर कर दिया उनको, तो सभी सदस्य परेशान हो रहा है। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम सत्यनारायण मूलचंद अग्रवाल।